Jane students, so today we're going to start with our next chapter, that is The Triumph of Surgery, written by James Herriot from the book Footprints Without Feet. And yes, James Herriot was a vet. He loved dogs and had a number of experience with dogs and their owners. वो कहते हैं कि एनिमल डॉक्टर था, उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस थे. इन दिस लेसन ही टेल्स हिज एक्सपीरियंस विद अ रिच लेडी मिसेज फम्फरे. वो एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं. एंड दैट लेडी शी लव्ड हर डॉग एंड ओवर फेड हिम. बहुत प्यार करती थी उसे, बहुत खिलाती थी. एंड द डॉग वॉज सीरियसली इल. ही ट्रीटेड द डॉग विदाउट मेडिसिन एंड सर्जरी. एंड दिस इज अ डॉग जिसको उन्होंने ट्रीट किया था. ट्रिकी नाम था उसका. ट्रिकी वॉज स्मॉल डॉग एंड वॉज एक्सेसिवली लव्ड बाय हिज मिस्ट्रेस मिसेस फम्फरे. ही वॉज ग्रीडी एंड लव फूड बट नो एक्सरसाइज. कुछ नहीं एक्सरसाइज करता था, बस खाता रहता था. एंड इज अ लेजी क्रिएचर एक्चुअली. Here are some pictures of the like those lazy dogs who were overfed and like they were doing no exercise, and this is the condition that they has to face. Okay, so Tricky was something like this. And now Mrs. Pumphrey, actually she was a wealthy woman. She loved her dog too much. She gave him so much extra between meals to build up him malt. वो उन्हें क्या है, बहुत ज़्यादा extra खाना देती थी, जो उनके meals के अलावा भी extra diet देती रहती थी. तो उन्हें लगता था कि that will help his dog, but actually that is harming him. The dog surgery is a trump of surgery. Trump of surgery क्यों कहा गया उस surgery को? Because he was completely recovered and transferred into hard muscle dog. वो वापस क्या है, बिल्कुल सही एकदम healthy dog बन गया था. James Herriot treated the dog without medicine or surgery. उन्होंने क्या है, बिना medicine और surgery के उसको treat किया. And she was happy and filled with gratitude. That's why she called it a trump of surgery. So students, let's start with a summary of the chapter, A Trump of Surgery. Trump means actually the victory, and how the surgery is a victory that we're going to study in this chapter, that is written by James Herriot. Herriot is sharing his own experience. He was actually a veterinary doctor who treats animal, and the story is all about Tricky. ये जो सारी story है ये Tricky के बारे में है. And Tricky was a pet of rich lady named Mrs. Pumphrey who pampers him a lot. जो क्या है उसको बहुत pamper करती थी. She always treat him like his own child. ठीक है. एंड दिस ट्रिकी इज एक्चुअली फॉन्ड ऑफ ईटिंग क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. उसे खाना बहुत पसंद था. वो सारे दिन उसे चॉकलेट्स एंड क्रीम केक्स बहुत पसंद थे. ही लाइक गो ऑन ईटिंग एंड ईटिंग. एंड देन दिस मिसेस पम्फ्रे मेट मिस्टर हैरियट एंड देयर ही एडवाइज्ड हर टू स्टॉप गिविंग हिम अनहेल्दी थिंग्स टू ईट, बट मिसेस पम्फ्रे इज नॉट एबल टू रिफ्यूज हिम. यहाँ पर मिस्टर हैरियट ने क्या है उनको एडवाइस किया कि उसको अनहेल्दी चीज़ें ना दी जाए, उसे कम डाइट दी जाए, उसे एक्सरसाइज कराई जाए. बट शी जस्ट अनएबल, लाइक शी इज़ नॉट एबल टू रिफ्यूज हिम. उसको वो कभी रिफ्यूज़ नहीं कर पाती थी. उसे लगता था कि वो बस उसे और खाना है, तो वो खाना उसे देती रहती थी. एंड दैट ट्रिकी वॉज नॉट ऑल्सो डूइंग द एक्सरसाइजेस. रीजन बींग दैट देयर गार्डनर वॉज ऑन लीव हु ऑलवेज टेक हिम टू वॉक. ठीक है, उनका जो माली था वो छुट्टी पे गया हुआ था. दैट्स द रीजन. एंड नाउ दिस रिजल्टेड हिम दैट एंड देन ट्रिकी बिकम सीरियसली इल एंड ही हॉस्पिटलाइज्ड हिम फॉर 2 वीक्स. वो बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गया था, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था. नाउ दिस सीन इज ऑल्सो वेरी फनी इफ यूल रीड द चैप्टर. वो जब उसे हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था, वेन मिस्टर हैरियट वॉज टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, देन दिस मिसेज पम्फ्रे वॉज क्राइंग. शी ऑलमोस्ट फेंटेड एंड शी वॉज, जैसे नहीं होता एक लड़की की विदाई हो रही होती है उस टाइम, जो जैसे रो रहे होते हैं, मिसेज पम्फ्रे वॉज क्राइंग इन द सेम वे. ठीक है, वो बहुत दुखी थी, उसको बिल्कुल नहीं भेजना चाहती थी. बट द थिंग इज कि इस टाइम पर वो है, उसको रख भी नहीं सकती थी अपने पास. एंड देन द डॉग डजंट मूव मच नॉर ईट्स एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 2 डेज. और जब उसे वहाँ पर लेके जाया गया, ही वॉज देयर विद ऑल अदर डॉग्स. दो मिसेस पम्फ्रे प्रोवाइडेड एवरी सिंगल थिंग फॉर हिज डॉग, बट मिस्टर हैरियट क्या है, उन्होंने क्या किया, उसको बाकी डॉग्स के साथ रखा. उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं दिया गया, और पहले 2 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया. ओके, हियर आई एम मेंशनिंग द कंडीशन ऑफ द डॉग दैट व्हाई ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड. ठीक है, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ब्लॉटेड सॉसेज विद लेग एट ईच कॉर्नर. वो उसने क्या कहा है कि वो इतना मोटा हो गया था, बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, ऐसे लग रहा था फूला हुआ मांस की तरह लग रहा था वो. एंड हिज आइज वर रेड, उसकी आंखें एकदम रेड थी, हो रखी थी. एंड वाटरी, रूमी जो आप वर्ड देखोगे, रूमी मीन्स वाटरी, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि पानी बह रहा है उसकी आंखों में से कॉन्टिन्यूसली. ठीक है, दिस इज अ कंडीशन, दैट्स वाई ही वॉज हॉस्पिटलाइज. नाउ वेन ही वॉज हॉस्पिटलाइज लाइक फॉर 2 डेज ही एट नथिंग. ही वॉज लाइक
only given water, and on the third day he showed some interest in his surrounding and started playing with other dogs. और थर्ड डे उसने क्या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो किया अपने सराउंडिंग में. अदरवाइज वहाँ के जो डॉग थे दे वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन हिम. बट देन सम हाउ दिस ट्रिकी वॉज हिमसेल्फ टेकिंग द इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड ही ऑल्सो लिक्ड द बाउल्स ऑफ अदर डॉग्स क्लीन ऑन द थर्ड डे. दिस मीन्स दैट ही वॉज नॉट गेटिंग हिज ओन बाउल. ही वॉज नॉट गेटिंग एनी डाइट ऑन लाइक ऑन फर्स्ट थ्री डेज वेन ही वॉज इन द हॉस्पिटल. एंड लाइक दो दिन तो भूखा रहा, तीसरे दिन क्या था, ही वॉज लिकिंग द बाउल्स ऑफ अदर डॉग्स. जो बाकियों ने खाना खा लिया था जिन बाउल्स में से उनमें से लिक कर रहा था, बिकॉज दैट शोज दैट येस नाउ फाइनली ही वॉज हंग्री. एंड हिज कंडीशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग वेरी फास्ट. अब क्या था, टाइम बाय टाइम उसकी जो कंडीशन है बहुत जल्दी इम्प्रूव करने लग गया था वो. ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज मील. अब यहाँ पर देखना आयरनी, उससे पहले वो क्या था, महलों में रह रहा था अपने प्रिंसेस के साथ, ठीक है. दैट मींस जो उसकी जो मिस्ट्रेस थी मिसेस फम्फ्रे उसको इसी तरीके से ट्रीट करती थी. जब अपने मिस्ट्रेस के साथ था तो उसे कभी भी खाने के लिए बोलना नहीं पड़ता था, मांगना नहीं पड़ता था, उसे हमेशा क्या है एक्स्ट्रा मील मिलती थी. एंड दैट टू वेरी क्लासी, मतलब उसे कुछ भी खाने को मन करता था ही सिंपली गेट इट. बट यहाँ पर ही हैज़ टू फाइट फॉर इट एंड ही बिकम मोर एक्टिव. क्या था, अब वो वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो गया था. Okay, now the news reached Mrs. Fumfrey. Which news? Recovering of this dog. She started sending him eggs as she thought that Tricky was recovering from illness and needed energy food. अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जब उसे न्यूज़ पता चली मिसेस फम्फ्रे को कि उनका डॉग है रिकवर कर रहा है, तो उन्होंने उसके लिए क्या है एग्स भेजना स्टार्ट कर दिया. उन्हें लगा कि उनके जो डॉग है उसको कुछ एनर्जी फूड की ज़रूरत होगी. एंड देन फॉर इम्प्रूविंग ट्रिकीज ब्लड मिसेस फम्फ्रे स्टार्टेड सेंडिंग बॉटल्स ऑफ वाइन ऑल्सो. और जब उन्हें लगा कि उसके ब्लड की इम्प्रूवमेंट के लिए उसमें खून बढ़ जाएगा, तो वो क्या है वापस उसके लिए कुछ वाइन बॉटल्स भी भेजने लगी. दिस इज एक्चुअली फनी. एंड क्या हुआ, बट मिसेस हैरियट एंड हिज पार्टनर्स स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स इन देयर ब्रेकफास्ट एंड वाइन वॉज ऑल्सो कंज्यूम्ड बाय देम. अब जो एग्स और जो वाइन आ रही थी ट्रिकी के लिए वो ट्रिकी को नहीं दी जा रही थी, बल्कि कौन इंजॉय कर रहा था उनको, मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर जो वहाँ पर थे. एंड वॉज टेम्प्टेड टू ट्रिकी टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट. और टेम्प्टेड मतलब अब वो सोच रहे थे कि भाई क्यों ना इस ट्रिकी को हम परमानेंट गेस्ट ही रख लेते हैं. क्यों, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी बुक में भी है और बोर्ड में बहुत बार आ रखा है, दैट वाई दे टेम्प्टेड टू कीप द ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट. क्यों रखना चाहते थे, ऑब्वियसली बिकॉज दैट मिसेज फम्फ्रे वॉज सेंडिंग सो मेनी थिंग्स दैट वर कंज्यूम बाय देम, ठीक है. एंड लेटर वेन शी स्टार्टेड नाउ मोमन, क्योंकि क्या है जो जो लेडी है मिसेस फम्फ्रे वो कुछ ना कुछ भेज रही थी. एंड लेटर शी ऑल्सो स्टार्टेड सेंडिंग द बॉटल ऑफ ब्रांडी फॉर ट्रिकी. एक्चुअली चीज़ें भेजी किसके लिए जा रही थी, ट्रिकी के लिए भेजी जा रही थी, बट कंज्यूम कौन कर रहा था उनको, मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स कर रहे थे. दैट्स वाई दे वॉन्टेड टू कीप द ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज नोट इट डाउन, ओके. बट देन येस ही टुक a wise decision and call up Mrs. Fumfrey as she was really worried. And on this side Tricky was also ready to take him back home. अब यहाँ पर क्या था, उन्होंने फिर भी एक समझदारी से डिसीजन लिया और मिसेस फम्फ्रे को कॉल किया कि उनका जो डॉग है रिकवर कर चुका है और वो उसे घर लेके जा सकती है, ठीक है. Tricky was ready to be taken at back home, ठीक है. Tricky was really happy to see his mistress and jumped into the car. वो जब अपने मिस्ट्रेस को देखता है, जब वो उसे लेने आती है, बहुत खुश होता है. एंड मिसेस फम्फ्रे वॉज रियली थैंकफुल फॉर वॉट ही हैड डन एंड ऑल्सो दैट हिज सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल एज ट्रिकी वॉज नाउ क्योर्ड. अब यहाँ पर क्या है, वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती है डॉक्टर को कि उसने क्या है फाइनली उसका जो डॉग था जो इतना ज़्यादा बीमार हो रखा था उसको क्या है फिर से उसको ठीक कर दिया. उनके लिए तो एक सर्जरी ही थी एंड शी ऑल्सो कॉल्ड इट अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ मिराकल टू हर एंड शी वॉज वेरी हैप्पी विद मिस्टर हैरियट. ओके, तो देर विल बी क्वेश्चन दैट वाई शी कॉल्ड इट अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी. तो so we can say that yes, this surgery is actually a trump of surgery because Mr. Harriet transformed that blotted sausage dog into hard muscle healthy active dog and that mistress was very happy with this recovery and thus she also called it a trump of surgery. This is all about the summary and you will definitely enjoy if you'll read the chapter by yourself, that how Harriet
gave him the treatment. He only gave him plenty of water and so many of exercises, and actually didn't do any surgery on him. But still, it is called as a trump of surgery. Questions, answers are also very easy. Just go through it, and still, if you face any problem, you can ask. That's all about the summary. Thank you and have a good day.